अभी रिसेंटली मैंने एक स्टोरी सुनने में आई थी कि गवर्नमेंट स्कूल पेरेंट ने बातचीत हो रही थी और कहा था कि आपके लिए क्या मायने है, सरकार कह रही है इतना काम किया, इतना खर्चा किया। तो उसने एक स्टेटमेंट कहा कि गरीब परिवार के बच्चों को पहले सपना देखने की इजाज़त भी नहीं थी, पिछले 5 साल में जो काम हुआ है आज हमने सपने देखने शुरू कर दिए हमारे बच्चों के लिए। क्या बात, मैं भी सोच सकता हूँ कि मेरा बच्चा वकील बन सकता है, डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है। पहले हम सोच ही नहीं सकते थे कि चलो 10-12वीं तक पढ़े फिर काम धंधा जो है माँ बाप के उसमें लग जाएगा। और मतलब सर्वे भी आया था जिसमें कहा 95% पेरेंट्स हैव स्ट्रॉन्गली अप्रूव्ड कि दिल्ली में जो काम हुआ है वो बहुत इम्पैक्टफुल है और उसे जारी रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, हेल्थ केयर की आपने बात करी, जिसके घर पे पानी नहीं आया है मतलब इतने सालों से, और आज कितनी हज़ारों कॉलोनीज़ है जहाँ पे आज पानी आया है, लोग जो 3-3, 4-4 घंटे टैंकर के सामने खड़े रहते थे, टैंकर माफिया जो ऑपरेट करता था, वो सारा ख़त्म हो गया है।